नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और 40 डेज के स्टडी प्लान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, कल मैं लेक्चर शूट नहीं कर पाया कुछ कारण अंगत कारणों की वजह से, बट आज लेक्चर 2 दिन का साथ में कर देता हूँ, डे 13 एंड 14 साथ में। ठीक है, 40 डेज का स्टडी प्लान हमने लॉन्च किया था। ये स्टडी प्लान काम लगेगा IBPS RRB PON क्लर्क 2020 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए और एज वेल एज IBPS PO 2020 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए भी काम लगेगा। ठीक है, भले ही ये 2 दिन मैं साथ में ले रहा हूँ बट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा और पूरा समझ में आएगा। अगर पिछले वीडियो में कोई लेक्चर में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। और प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने एग्जाम मतलब होमवर्क दिया था उसका आंसर सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो चलिए प्रीवियस स्लाइड वाला देख लेते हैं। ये तो मैंने सबसे पहले आपको ये दिया था 11 से 13, तो 11 से 13 के ये रहे आंसर, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लोगे। फिर नेक्स्ट के आंसर ये रहे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहे आंसर। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके देख लोगे। अगेन ये भी आंसर देख लेना, ये आंसर ये तो मैंने ही करवाया था, ये भी करवाया था, ये आंसर देख लेना, फिर ये आंसर, उसके बाद ये रहे आंसर, और उसके बाद ये रहे आंसर, और उसके बाद ये रहे आंसर। मेरे ख्याल से इतना मैंने होमवर्क दिया था और ये सभी के आंसर ये रहे। आप चाहो तो उसको वेरीफाई कर लेना अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आ जाए कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, या तो फिर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_guruji, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना और वहाँ पर मुझे डायरेक्ट DM करो, मैं आपको वहाँ पर सॉल्यूशन बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की ओर, आज के कुछ सवाल की शुरुआत करते हैं ताकि आपका रिकैप हो जाए। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास, हमने इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे, ये रहा मतलब सवाल। यहाँ पे एल एक अलग से सेंटेंस दिया है तो हमें उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो डायरेक्ट देखने को तो देख सकते हैं, मैं उसमें मना नहीं करता, बट डायरेक्ट देखने में प्रॉब्लम क्या होती है, आप गलती कर बैठते हो, और गलती कर बैठते हो तो यहाँ पर कोई ऑप्शनल नहीं है। आपने गलती की तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेगेटिव ना हो उससे बेटर है लिख लो। पी ग्रेटर और इक्वल टू एस आपका पहला कंक्लूजन है, पी से लेके एस तक देखना है, और उल्टा सिंबल देखना है तो ग्रेटर और इक्वल टू की जगह लेस और इक्वल टू देखना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ये सही है क्योंकि डबल साइन हर बार है। उसके बाद आई ग्रेटर देन आर है, आई से लेके आर तक देखना है, आई ग्रेटर देन चाहिए, ग्रेटर देन सिंगल साइन है, सिंगल साइन एक बार चाहिए, यहाँ पर सिंगल साइन एक बार आ गई और फ्लो सेम होने की वजह से ये कंक्लूजन भी राइट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, E, both conclusion are true. Next, next कहाँ से है, यहाँ से join है, D से या A से joining है, तो हमें A से joining करना पड़ेगा। तो मैं statement लिख लेता हूँ, G greater than R greater or equals to E, और equals to मैं नहीं लिखता तो ये साथ में लिख दिया, फिर less or equals to T, less or equals to S, उसके बाद A से join किया जाएगा, एक और D है और एक और J है। ठीक है, तो जिस और डी है, डी की ओर बंद क्लोज माउथ है तो मतलब उसकी ओर बंद मुंह डाल दिया, और ए की ओर क्लोज माउथ है तो ए की ओर क्लोज माउथ से सिंबल डाल दिया। ठीक है, अब डी ग्रेटर और इक्वल्स टू डी पूछा गया है, टी से लेके डी तक देखे तो हमें ग्रेटर और इक्वल टू सीधा दिखता है, डबल साइन हर बार है, तो हमारा ये कंक्लूजन राइट है। आर ग्रेटर देन एस ढूंढना है तो आर से लेके एस तक देखना है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा तो ये देखो सिंबल कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, अगर सिंबल अपोजिट हो रहे हैं तो सीधी सी बात है डाउट में जाएगा, डाउट को हम आंसर में कैलकुलेट नहीं करते, तो सिर्फ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। फिर क्या है, ये रहा सीधा सेंटेंस है तो सीधा ही देख लेते हैं, ए ग्रेटर और इक्वल्स टू ई, ये डबल साइन हर बार होनी चाहिए ए से लेके ई तक, बट अगर आप देखोगे तो ये ग्रेटर देन है, ये लेस और इक्वल टू है, सिंबल का फ्लो जो है वो अपोजिट हो गया, तो ये डाउट में चला जाएगा। उसके बाद क्या है, सी लेस देन एफ, सी से लेके एफ तक देखना है, लेस देन देखना है, लेस देन सिंगल साइन, सिंगल साइन एक बार एंड फ्लो सेम, यानी लेस का ही फ्लो होना चाहिए और सिंगल साइन एक बार होनी चाहिए, ये तो लेस का फ्लो है बट डबल साइन है, लेस का फ्लो है बट डबल साइन है, ये रही सिंगल साइन एक बार और लेस का फ्लो, यानी सेकंड कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है, आपका आंसर ऑप्शन बी। देन जे ग्रेटर देन जी, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा तो ज्वाइन कर लेते हैं, जी ग्रेटर देन आर ग्रेटर और इक्वल्स टू ई ए, क्या ये सेम है, जी हाँ ये सेम है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये रहा अपना, क्या लिखा है, जे ग्रेटर देन जी, जे से लेके जी तक देखना है, जे यहाँ पे है, जी यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये ग्रेटर और इक्वल टू सिंबल चल रहा है, ये लेस और इक्वल टू हो गया, सिंबल कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल।
उसके बाद जे इक्वल टू जी अगर सिंबल अपोजिट हो गए तो ये भी डाउट बोलाएगा। दोनों डाउट में है तो क्या इधर और जाएगा? इधर और जाने के लिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होनी चाहिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट मतलब जे और जी को सब्जेक्ट, एक को सब्जेक्ट बोलेंगे, एक को प्रेडिकेट बोलेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सिंबल अपोजिट हो जाए हो जाते हैं तब हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी होती है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। और अगर इधर और आप आंसर कर रहे हो तो तीनों पॉसिबिलिटी का कवर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे जे बड़ा हो रहा है, जे इक्वल हो रहा है, बट जे लेस नहीं हो रहा, लेस होने की संभावना यहाँ पे मिस हो रही है, इसकी वजह से इसका आंसर सी नहीं दे सकते हैं, तो हम इसका आंसर देंगे डी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये रहा, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट वाला सेंटेंस ही है ये, तो मैं इसको ये रहा, ठीक है। तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने का, फिर वापस से बना के मतलब सॉल्व नहीं करने का। आर ग्रेटर देन एल या तो एल लेस देन आर, जो भी ढूंढना है ढूंढो। एल लेस देन आर, एल से लेके आर तक में देखो ना, तो ये सिंबल कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो सीधी सी बात है फ्लो चेंज, तो डाउट। ई ग्रेटर इक्वल्स टू क्यू, ई से लेके क्यू तक देखना है, ग्रेटर और इक्वल, ये सिंबल कॉन्ट्राडिक्ट यहीं पे हो रहे हैं, तो ये भी डाउट, ठीक है। दोनों डाउट में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम ना होने की वजह से हमारा आंसर इधर और में नहीं जाएगा, जाएगा नीदर नॉर में, ना ही वन फॉलो हो रहा है ना ही दूसरा फॉलो हो रहा है, ठीक है, समझ में आई। अच्छा सर, मेरे ख्याल से प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो जरूर से जाके प्रीवियस लेक्चर देखिए, वहाँ पे ही मैंने बेसिक आपको समझाया है, तो बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको क्या करें, करें मेरे ख्याल से कर लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस जो है, एल ग्रेटर देन आई, एन ग्रेटर देन पी, पी से ज्वाइनिंग है नहीं है, आई से ज्वाइनिंग है, आई से ज्वाइनिंग क्या है, आई ग्रेटर और इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन की, फिर एन से ज्वाइनिंग है, ऊपर जगह नहीं है, वापस यहाँ लिख लेते हैं, एल ग्रेटर देन आई, एन ग्रेटर देन पी, फिर क्या है, आई ग्रेटर और इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन के, और एन लेस और इक्वल्स टू ई लेस देन जेड, ठीक है, ज्वाइंट हो गया। ई ग्रेटर देन पी देखना है, एक बार ज्वाइन हो जाए तो फिर तो आसान है, ई ग्रेटर देन पी, ये डबल साइन फ्लो सेम है, और ग्रेटर देन एक बार मिल गया, सिंगल साइन एक बार, तो ये राइट है, ठीक है। दूसरा क्या है, आर लेस देन एल, आर कहाँ है ये रहा, एल कहाँ है ये रहा, आर लेस देन एल देखो या एल ग्रेटर देन आर देखो, दोनों सेम ही है, तो एल ग्रेटर देन आर में देख रहा हूँ, तो एल ये ग्रेटर देन एक बार मिल गया, और ग्रेटर और इक्वल टू फ्लो सेम है, सिंगल साइन एक बार एंड फ्लो सेम, आपका आंसर सही हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ई, दोनों सही है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 58, के ग्रेटर देन एन, के ग्रेटर देन एन मतलब के से लेके एन तक देखना है, के ग्रेटर देन चाहिए, और यहाँ तो के की ओर बंद मुंह आ रहा है, जिसके ओर बंद मुंह होता है वो तो मतलब छोटा होता है, तो के ग्रेटर देन गलत बात है, के लेस देन एन होता तो सही होता, के ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकता। फिर आई लेस देन जेड, आई से लेके जेड तक, आई से लेके जेड तक देखना है, मतलब यहाँ से यहाँ देखना है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। आई ये लेस का सिंबल है, बट लेस और इक्वल टू कैलकुलेट नहीं होगा, लेस देन हमें एक सेपरेट चाहिए, तो ये रहा लेस देन का सिंबल सेपरेट मिल गया, तो आई लेस देन एन राइट, आई लेस देन जेड राइट है, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद ये रहा, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, एस ग्रेटर देन ए, एन ग्रेटर और इक्वल्स टू डी, उसके बाद ए से ज्वाइनिंग है, ए ग्रेटर और इक्वल्स टू एल ग्रेटर देन ई, उसके बाद एम एल से ज्वाइनिंग है, एल ये रहा, तो एम लेस और इक्वल्स टू एल लेस और इक्वल्स टू डी, ठीक है। ये डी दोबारा आया तो थोड़ा ध्यान रखना कि डी का रिलेशन किसके साथ आप देख रहे हो, ठीक है, फिर मतलब कुछ गलत मत करते, ओके। तो सबसे पहला हमारा सवाल क्या है, एस ग्रेटर देन ई, तो एस से लेके ई तक देखना है, तो ये सीधा एस से लेके ई तक का फ्लो जा रहा है, तो हमें ये सीधा देख लेना, एस ग्रेटर देन साइन एक बार मिल गई, और ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन फ्लो भी सेम है, तो ये आपका कंक्लूजन राइट है। फिर क्या है, एल लेस देन एस, एल से लेके एस तक देखना है, ठीक है। अब एल का कनेक्शन डी के साथ भी है, तो मैं डी का यहाँ पे भी ज्वाइनिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो एल छोटा होना चाहिए एस से, तो मतलब वो तो मुझे यहीं से दिख रहा है, एल लेस देन एस, ठीक है, तो मैं एल लेस देन एस का यहीं पे बना लेता हूं, समझ रहे हो। तो एल लेस देन होना चाहिए, तो एल लेस देन एस अगर ढूंढना नहीं अच्छा लग रहा है तो इसका उल्टा कर दो, एस
ग्रेटर देन एल, एस ग्रेटर देन साइन एक बार मिल गई और फ्लो सेम। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते एल एल लेसर इक्वल टू डी यानी डी ग्रेटर इक्वल टू एल तो भी आपको आंसर तो वही मिलता, ठीक है। तो आपका ये कंक्लूजन क्या होगा, राइट होगा, दोनों कंक्लूजन राइट है तो आपका आंसर क्या होगा, ई। फिर क्या है, ए ग्रेटर देन एम, ए से लेके एम तक लिखना है, ए यहाँ पे है एम यहाँ पे, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू चल रहा है तो आप इसका जजमेंट नहीं कर पाओगे, डाउट रहेगा, ए इक्वल टू एम डाउट रहेगा, दोनों डाउट में तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सी में जाएगा इधर और में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा सी, ठीक है। मैंने इसको बकायदा अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर में, इसलिए इस लेक्चर में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आपकी प्रैक्टिस पर्पज यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे पी ग्रेटर और इक्वल्स टू वी, ग्रेटर इक्वल्स टू आर, लेस और इक्वल्स टू ई, लेस देन वाई, ये करवाने का पर्पज़ यही है कि आपको ये डी दो बार देख के कन्फ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को डी दो बार आ गया, सर हम क्या कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट कैसे बनाए, ट्री कैसे बनाए, तो उसमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है, वो ना हो इसलिए करवा रहे हैं। ई की दोनों पब्लिक है तो दोनों रख देते हैं, जी और एक और एन, जी के साइड खुला हुआ मुँह है तो ये ग्रेटर इक्वल टू, ई के साइड खुला हुआ मुँह है तो ये ग्रेटर, ठीक है। सबसे पहला कंक्लूजन पी ग्रेटर देन एन, पी से लेके एन तक देखना है, बट मैं पी से लेके एन तक देखने जाऊँ ना यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे मुझे सिंबल कॉन्ट्राडिक्ट होते हुए दिख रहा है, मतलब फ्लो चेंज हो रहा है, तो ये डाउट में जाएगा। जी ग्रेटर और इक्वल्स टू वाई, जी से लेके वाई तक देखना है, सिंबल कॉन्ट्राडिक्ट मिल रहे हैं दोनों डाउट में, दोनों डाउट में जो इधर और के लिए सोचना है, बट दोनों पर्सन जो है वो डिफरेंट है दोनों कंक्लूजन में, तो हम उसमें इधर और नहीं डाल सकते, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए नीदर नॉट, यानी ऑप्शन डी, ये कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा। कब पूछा गया था, तो IBPS PO Pre 2017 में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद ये रहा 62 से 66 PO Pre 2018 में पूछा गया, काफ़ी कंजेस्टेड है, मतलब बड़ा वाला है तो बड़ा वाला कहते हैं, ठीक है। ये रहा मैं लिख रहा हूँ L लेस और इक्वल्स टू D, लेस और इक्वल्स टू I, ग्रेटर और इक्वल्स टू M, लेस देन X, ठीक है। फिर ज्वाइनिंग कहाँ से होगा, ज्वाइनिंग होगा W से, P से, L से, B से, K से, L से होगा, ठीक है। L के एक साइड मतलब WP है, तो ये WP को तो मैं यहीं ज्वाइन कर लेता हूँ, W लेस देन P लेस और इक्वल्स टू L, ठीक है। फिर L के बाद ग्रेटर और इक्वल्स टू B है और ग्रेटर और इक्वल्स टू K है, तो ये ज्वाइनिंग मैंने ऐसे कर दिया। कंक्लूजन क्या है, पहला K लेस देन X देखना है, K से लेके X तक, K कहाँ पे है, ये रहा, X कहाँ पे, ये रहा। सिंबल देखें तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, सिंबल अपोजिट हो गए, बात खत्म, ये क्या होगा, डाउट। W ग्रेटर देन M, W कहाँ है, यहाँ है, M कहाँ है, यहाँ है, क्या सिंबल अपोजिट हो रहे हैं, सिंबल अपोजिट हो गए, यहाँ पे हो गए, तो बात खत्म, ये भी डाउट में, दोनों डाउट में, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, मतलब KX है यहाँ पे KX का नाता नहीं है, तो ये जाएगा क्या, D, ना इधर नॉर, ना ही पहला ना ही दूसरा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल है Z लेस देन U, ठीक है, ट्रिक बनाना ही पड़ेगा। तो ये रहा Z लेस देन U, लेस और इक्वल्स टू D, लेस और इक्वल्स टू A, लेस और इक्वल्स टू M, लेस देन S, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन कहाँ से होगा, तो A बाई G, G से ज्वाइनिंग नहीं, A Q से ज्वाइनिंग नहीं, A A से ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। तो Q क्या लिखा है, Q जो है वो ग्रेटर देन A है, A लेस और इक्वल्स टू Y है और Y लेस देन G है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्री, कंक्लूजन नंबर वन, Z लेस देन Y, Z लेस देन Y देखना है, मतलब Z से लेके Y तक देखना है, लेस देन का सिंबल एक बार मुझे मिल गया है और फ्लो सेम ही देखना है, फ्लो सेम है तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन राइट है। फिर क्या है, S ग्रेटर देन Q, Q, तो S से लेके Q तक देखना है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है, यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, यहाँ पे सिंबल कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो ये डाउटफुल रहेगा, तो ओनली कंक्लूजन A फॉलोज होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन A, समझ में आ रही है बात। चलिए ये पहला और ये देखो, ये स्टेटमेंट सही दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन है तो कंक्लूजन भी कंक्लूजन ही देख लेते हैं डायरेक्ट, के ग्रेटर और इक्वल्स टू एम, के से लेके एम तक देखना है, के कहाँ पे, ये रहा, ग्रेटर और इक्वल्स टू एम देखना है तो के से लेके एम तक देखना है, और यहाँ पे सिंबल क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो हमारा क्या रहेगा, ये डाउटफुल रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, पी ग्रेटर देन एम, पी से लेके एम तक देखना है, पी ग्रेटर देन पूछा जा रहा है, बट यहाँ पे सिंबल कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो ये भी डाउटफुल ही रहेगा, ठीक है।
सिंबल सच में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं टी और एम के बीच में, देख लेते हैं भाई ये टी और एम के बीच सच में हो रहा है दोनों डाउट में, दोनों डाउट में तो हमें जाना है इधर और सोचने के लिए। इधर और सोचने के लिए जाएंगे ना तो यहाँ पे देखो एम तो कॉमन है बट के और पी कॉमन नहीं है। अगर के और पी कॉमन नहीं है तो इन दोनों के बीच में क्या इक्वल का रिलेशन है, के इक्वल टू पी है, तो के कहाँ पे ये रहा, पी कहाँ पे ये रहा, कोई इक्वल टू का रिलेशन नहीं है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सी आंसर नहीं दे सकता, हम आंसर देंगे डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस। ठीक है, ये भी कॉमन दिख रहा है, यही ये ट्री दिख रहा है तो उसी में देख लेते हैं, एम ग्रेटर और इक्वल्स टू यू, एम से लेके यू तक देखना है, एम ये रहा यू ये रहा, एम ग्रेटर और इक्वल्स टू यू, तो एम के लिए तो ये सिंबल ग्रेटर और इक्वल टू ही है, ये से साइन कैसी है, डबल साइन हर बार है, तो हमारा आंसर ये क्या होगा राइट। फिर जी ग्रेटर देन जेड, जी से लेके जेड तक देखना है, जी यहाँ पे है जेड यहाँ पे है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है। ठीक है, जी ग्रेटर देन एक बार तो मिल गया और फिर फ्लो सेम होना चाहिए, फ्लो ग्रेटर देन का ही है तो ये हमारा राइट है। अगर ऐसा देखना नहीं है अच्छा लगता तो उल्टा कर दो, जेड लेस देन जी, लेस देन सिंबल ये रहा एक बार मिल गया, बाकी फ्लो सेम। ठीक है, दोनों कंक्लूजन सही है तो आपका आंसर क्या होगा, ई बोथ वन एंड टू फॉलोस। ठीक है, नेक्स्ट इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ज्वाइंट ही है, तो जे ग्रेटर देन बी ढूंढना है, जे से लेके बी तक देखना है, ग्रेटर देन सिंबल एक बार मिल गया और फ्लो सेम होने की वजह से ये राइट है। एच लेस देन आर देखना है, एच लेस देन का सिंबल एक बार मिल गया और फ्लो यहाँ पे देखो ये ग्रेटर देन का है और ये लेस और इक्वल टू का है तो ये डाउटफुल ही रहेगा, ये हमारा आंसर नहीं देगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन मतलब ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस होगा, तो आपका ऑप्शन ए राइट चॉइस होगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसे वाले क्वेश्चन अब आपको पूरे समझ में आ गया होंगे, इनमें कोई भी डाउट रहा नहीं होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ और आपके लिए ये होमवर्क छोड़ता हूँ, आप ये डेफिनेटली बखूबी कर लोगे आईबीपीएस पीओ प्री 2019 में, और प्रिलिमिनरी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसकी ही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मैं होमवर्क दे रहा हूँ प्रैक्टिस करो, और अब तक जितना भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे करवाओ, मतलब मैंने पुराने लेक्चर जो किए हैं वो भी आप सॉल्व करो और उसकी प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी ज़्यादा करो। ठीक है, वैसा ही पूछा जाता है तो वैसा ही मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, मेंस लेवल का अभी करने से कोई मतलब नहीं है, मेंस लेवल का करेंगे जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होगी, मेंस लेवल की क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपके लिए होमवर्क आ गया, मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है, मैं आपके कमेंट सेक्शन में आंसर का इंतजार करूंगा। होमवर्क टू, ये भी आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क थ्री, ये भी आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क फोर, ये भी आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क फाइव। ठीक है, ओके, अब ये पूछा जाता है मेंस में। ठीक है, मैं करवा इसलिए रहा हूं ताकि अगर प्रीलिम में ना करे और पूछ लिया जाए, वैसे तो नहीं जाने वाला, ठीक है, बट फिर भी आपको एक आइडिया तो होना चाहिए, जब मेंस की एग्जाम होगी तब हम इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन ही पर्पस आप ले लो कि आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है, डायरेक्शन लिखी गई है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल्स एट द रेट कॉपीराइट परसेंटेज डॉलर, और ये अननोन मतलब सिंबल होगा बट ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए सभी जगह क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, इसको सिंबल ही मान लो ना, क्वेश्चन मार्क का सिंबल है। ठीक है, आर यूज्ड इन द फॉलोइंग मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड बिलो। ठीक है, तो ये सिंबल एक्सप्लेन किए गए हैं, इलस्ट्रेट किए गए हैं, आपको दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, ए कॉपीराइट बी मीन्स ए इज स्मॉलर देन क्यू, ये क्यू नहीं हो सकता, ये बी मीन्स है तो यहाँ पे भी बी ही होता है। ठीक है, तो हम बी ही यहाँ पे रिफर करेंगे। ठीक है, तो ए कॉपीराइट बी का मतलब क्या लिखा है, ए इज स्मॉलर देन बी, यहाँ पे ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि सिंबल का कन्वर्जन किस अल्फाबेट से किस अल्फाबेट तक हो रहा है। ठीक है, अब ए कॉपीराइट बी मीन्स ए इज स्मॉलर देन बी लिखा है, ए एट द रेट बी मीन्स ए इज इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी लिखा है, फिर ए परसेंटेज बी की जगह लिख दिया बी इज ग्रेटर देन ए, ए की जगह लिख दिया बी और बी की जगह लिख दिया ए, तो सिंबल का मतलब हो जाएगा उल्टा, तो वो चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्या दिया है। ठीक है, ये तो बेसिक है तो हमने सीधा एक ही डायरेक्शन में दिया है बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ए कॉपीराइट बी का मतलब क्या है, ए कॉपीराइट बी का मतलब इन्होंने दिया है ए इज स्मॉलर देन बी यानी ए इज लेस देन बी, फिर क्या दिया है ए एट द रेट बी का मतलब ए इज आइदर स्मॉलर और इक्वल, तो आइदर स्मॉलर और इक्वल का हमारे पास ये सिंबल है
लेस और इक्वल। फिर क्या है ए परसेंटेज बी का मतलब, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर देन बी सिंपली हमारे पास सिंबल है। फिर क्या है ए डॉलर बी, तो ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के लिए सिंबल है ग्रेटर और इक्वल्स टू बी, और ए क्वेश्चन मार्क बी, स्क्वायर बॉक्स में क्वेश्चन मार्क बी क्या है उसका, ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, सारे सिंबल आ गए। तो हम क्या करते हैं ऑलवेज, ये ए और बी लिखने में टाइम नहीं लगाते, हम क्या करते हैं जनरली, कॉपीराइट का मतलब है लेस देन, एट द रेट का मतलब है लेस और इक्वल, फिर परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन, डॉलर का मतलब है ग्रेटर और इक्वल, और क्वेश्चन मार्क का मतलब है इक्वल। ठीक है, और अगर किसी का मीनिंग रिवर्स है, मतलब किसी का मतलब बी लेस देन बी ग्रेटर देन है, तो हम उसके आगे डॉट लगा देते ताकि हम उसका मतलब जो प्रोजेक्शन करे वो रिवर्स करे। ठीक है, फिलहाल तो कोई नहीं है तो इसको मत गिनना, सिर्फ ये समझ लो कि ये सिंबल आपके हैं। ठीक है, अब सिंबल एक बार डिकोड हो जाए ना, फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन में सिर्फ लेंथीनेस इतना है कि आपको सिंबल समझना है कि क्या लिखावट में दिए हैं। ठीक है, एक बार सिंबल का कोडेड फॉर्म आप समझ जाओगे कि कौन सा सिंबल किस कोड के है, किस सिंबल के लिए है, कौन सा कोड किस सिंबल के लिए है, आप जान जाओगे। ठीक है, फिर आंसर तो उसी प्रकार से देना है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन टू ट्रू, और इफ इधर कंक्लूजन वन और टू इज ट्रू, इन ईधर और बोथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बी कॉपीराइट टी लिखा है तो बी कॉपीराइट टी का मतलब कन्वर्जन करेंगे। बी कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट का सिंबल का मतलब है लेस देन, अगर ए कॉपीराइट बी का मतलब है ए स्मॉलर देन बी, देन बी कॉपीराइट टी का मतलब है बी लेस देन टी। ठीक है, दूसरा हमारे पास टर्म है टी क्वेश्चन मार्क एम, क्वेश्चन मार्क का पर्पज़ क्या है इक्वल टू, तो टी इक्वल्स टू एम हो जाएगा। तीसरा क्या है एम परसेंटेज एफ, एम परसेंटेज का मतलब क्या है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट सबसे पहले कन्वर्ट हो गया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम फाइनल मतलब में जाएंगे ना, तब मतलब पूरा साथ में कर देंगे, मतलब सीधा ही स्टेटमेंट बिल्ड करेंगे, अभी वन स्टेप बाय वन स्टेप जा रहे हैं। ठीक है, बेसिक टू हाई पे, तो अब इसको ज्वाइन करते हैं, तो बी लेस देन टी तो सेम ही रहेगा, और टी के बाद एम ज्वाइंट हो जाएगा, इक्वल टू को मैं नहीं लिखता तो एम सीधा लिख दूंगा, और एम से एफ ज्वाइन हो जाएगा तो एम ग्रेटर देन एफ ज्वाइन। ठीक है, तो अब जो ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन को डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, बी कॉपीराइट एम लिखा है, ठीक है, बी और एम के बीच में कॉपीराइट सिंबल है, कॉपीराइट सिंबल का मतलब है लेस देन, तो बी लेस देन एम, तो आपको चेक करना है बी लेस देन एम, तो बी लेस देन एम सीधा दिख रहा है, तो आपका ये कंक्लूजन क्या है राइट है। दूसरा क्या है बी कॉपीराइट एफ, यानी आपको क्या देखना है लेस देन बी लेस देन एफ देखना है, बट सिंबल क्या हो गए कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या होगा डाउटफुल, सिर्फ कंक्लूजन वन फॉलोज हो रहा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये डिफॉल्ट में कभी ऑप्शन ए ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऑप्शन ए में जो लिखा है वो ऑप्शन डी में लिख दिया और डी का ए में लिख दिया, तो ऐसा हो सकता है। तो ऑलवेज ऑप्शन को एक बार पढ़ के उसका चुनाव करें। ठीक है, डिफॉल्ट में मैंने मतलब हर क्वेश्चन में यही सीक्वेंस रखी है, तो एग्जाम में भी यही सीक्वेंस आए ये ज़रूरी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते होंगे और आप समझते होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए सिंबल का मतलब हर बार मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है लिख लेते हैं। ये स्मॉलर देन का मतलब है लेस देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल, और इक्वल। ठीक है, सबसे पहला क्या है इसको डायरेक्ट बिल करते हैं। देखो एम एम का आर से है, आर का टी से है, टी का के से है, तो मैं क्या करता हूँ एम आर जगह छोड़ के टी, जगह छोड़ के। ठीक है, पहला सिंबल क्या है क्वेश्चन मार्क वाला, क्वेश्चन मार्क वाले का मतलब क्या था, ये क्वेश्चन वाले वाले का मतलब इक्वल टू था, तो मैं इक्वल टू डाल देता हूँ। दूसरा क्या है परसेंटेज वाला, परसेंटेज वाले का मतलब क्या है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन डाल देता हूँ। तीसरा क्या है डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है ग्रेटर और इक्वल, तो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल। तो इस प्रकार से सीधा स्टेटमेंट बिल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन नंबर वन, के ग्रेट एट द रेट एम और के कॉपीराइट एम। ठीक है, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब यहाँ पे दिखा है क्या है लेस और इक्वल, और कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट का मतलब यहाँ पे लिखा होगा ये रहा स्मॉलर देन लेस देन, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम आ गया, तो मुझे मतलब डाउटफुल यही जाएगा कि ये इधर और के लिए पूछेगा। के से लेके एम तक देखना है, के से लेके एम तक देखना है, उल्टा देखना है, उल्टा देख सकते हो तो देखो, वरना इसको उल्टा कर सकते हो एम ग्रेटर और इक्वल्स टू के या फिर एम ग्रेटर देन के। ठीक है, ये साइन कौन से, डबल साइन, डबल साइन हर बार होना चाहिए, ये इक्वल टू डबल साइन है, इसको तो निगलेक्ट ही करते हैं, ये डबल साइन है, बट ये डबल साइन देखो ये सिंगल साइन है, सो सॉरी, और हमें चाहिए एवरी टाइम डबल साइन, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, एम ग्रेटर देन के सिंगल साइन, सिंगल साइन एक बार होनी चाहिए और फ्लो सेम होना चाहिए। ठीक है,
इक्वल टू को तो कैलकुलेट ही नहीं करते, ग्रेटर देन एक बार मिल गई और फ्लो से मिल गया तो एम से लेके के तक एम ग्रेटर देन टी के ट्रू होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, यानी ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में सिंबल कन्वर्जन डब्ल्यू डी एच और एन, ठीक है, सिक्वेंशियल ही है, तो डब्ल्यू डी फिर क्या है एच और फिर क्या है एन। सबसे पहला सिंबल कौन सा है, कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या है, स्मॉलर देन, तो यहाँ पे लेस देन लगा देते हैं। एट द रेट का मतलब क्या है, इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू, यहाँ पे लेसर इक्वल टू लगा देते हैं। और क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, इक्वल टू, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंक्लूजन एन डॉलर डी, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है इधर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, एन इज ग्रेटर और इक्वल्स टू डी, देखा जाए तो एन की ओर से तो ये ग्रेटर और इक्वल टू ही है और इक्वल टू को तो कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो हमारा आंसर राइट है। ठीक है, ऐसे देखना नहीं समझ आ रहा तो इसको उल्टा कर दो, डी लेस और इक्वल्स टू एन। अब देखना कौन सा है, लेस और इक्वल टू, ऑलवेज लेस और इक्वल टू हर बार मुझे दिख रहा है, तो हमारा ये कंक्लूजन राइट है। दूसरा कंक्लूजन क्या है, डब्ल्यू कॉपीराइट एन, कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट ये रहा पहला वाला स्मॉलर देन, तो डब्ल्यू लेस देन एन, डब्ल्यू से लेके एन तक आपको देखना क्या है, लेस देन, लेस देन सिंगल साइन है, सिंगल साइन मिनिमम वन टाइम चाहिए, मिनिमम वन टाइम मिल गई और फ्लो सेम चाहिए, फ्लो सेम ही है, तो आपका ये कंक्लूजन भी राइट होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोस। ठीक है, अगर आपने मेरा बेसिक लेक्चर देखे होते हैं, देखा है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत ना नहीं आने वाली, जस्ट आपको जस्ट वो पहले वाला प्रोसीजर करना रहेगा, बाद में तो मजा ही मजा है। ठीक है, आगे आगे डब्ल्यू डी आर के, सबसे पहला सिंबल एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, स्मॉलर और इक्वल, तो लेस और इक्वल, फिर क्या है डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है इधर ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, सिंबल अपोजिट हो गया तो मुझे सीधा पता चल जाना चाहिए कि भाई डब्ल्यू आर का डब्ल्यू के का पूछे तो बात खत्म ही हो जाए। ये जो डब्ल्यू आर और डब्ल्यू आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू, ठीक है, ये इधर और के लिए ही जा सकता है क्योंकि आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू आर और डब्ल्यू के बीच में फ्लो चेंज हो रहा है और दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट से। ठीक है, कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट का मतलब है स्मॉलर देन, तो ये स्मॉलर देन। ठीक है, अब आर डब्ल्यू और आर डब्ल्यू, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, इक्वल टू, ये इधर और नहीं जाएगा क्योंकि एक इक्वल टू आ गया तो हमारी पॉसिबिलिटी मतलब कवर नहीं हो पाएगी। परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, तो यहाँ पे जब भी फ्लो चेंज हो जाता है तो क्या होता है, तीन पॉसिबिलिटी होती है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। ठीक है, तो हमारे आइदर और केस में भी तीनों पॉसिबिलिटी कवर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आर और डब्ल्यू के बीच में फ्लो चेंज, ये डाउट, ये भी फ्लो चेंज, डाउट, दोनों डाउट में तो हम सोचेंगे इधर और के लिए, इधर और के लिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, आर सेम है डब्ल्यू सेम है, परंतु यहाँ पे इक्वल टू कवर हो रहा है, ग्रेटर देन कवर हो रहा है, बट लेस देन कवर नहीं होने की वजह से ये क्या होगा, नीदर नॉर, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है फिफ्थ, हमें ये सिंबल का कन्वर्जन पहले करना पड़ेगा, एफ जे वी और एन। ठीक है, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है इधर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो ये ग्रेटर और इक्वल्स टू। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन। और वी कॉपीराइट का मतलब है, कॉपीराइट का मतलब है स्मॉलर देन, तो ये स्मॉलर देन। ठीक है, अब एन डॉलर एफ, एन से लेके एफ तक, एन यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर और इक्वल्स टू, बट यहाँ एन है, यहाँ पे एफ है, बीच में सिंबल क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं, तो ये क्या रहेगा, डाउटफुल रहेगा, इसमें हम जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एन से लेके जे तक देखना है, एन से लेके जे तक परसेंटेज का रिलेशन देखना है, परसेंटेज यानी ग्रेटर देन, तो एन ग्रेटर देन जे देखना है, एन ग्रेटर देन जे के लिए भी आपको सिंबल तो क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं, तो आप इसके लिए भी डाउटफुल रहेंगे। ठीक है, अब दोनों डाउट में तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेक कर लो और इधर और के लिए सोच लो, सब्जेक्ट तो सेम मिल रहा है बट प्रेडिकेट सेम नहीं मिल रहा, और प्रेडिकेट दोनों इक्वलाइज में नहीं है कि जे इक्वल टू एफ हो, शायद में है शायद नहीं है। ठीक है, तो हम इसका जजमेंट नहीं करेंगे, हम इसका आंसर क्या देंगे, डी, नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोस। ठीक है, क्योंकि भैया फॉलो नहीं होगा, इसका मैंने बेसिक आपको सिखाया है, बेसिक में आपको बकायदा एग्जाम्पल लेके बताया है कि ये चीज़ नहीं जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे कहाँ पूछे जाते हैं, मेंस एग्जाम में, तो आप में जब मेंस एग्जाम के लिए जाओगे तब आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीलिम के लिए इसका इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपके मतलब एक्सरसाइज पर्पज़ ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, SBI क्लर्क मेंस 2019 में पूछा गया था, तो आप इसका सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, और अगर आप नेक्स्ट जगह देखोगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन तो मैं दे ही दूंगा। ठीक है, अगला अगला ये SBI PO मेंस 2016 में पूछा गया था, PO के मेंस में, तो आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, ये देखो ये सेम, यहाँ पे एक चीज और डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, पी हैश क्यू का मतलब लिखा गया है पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू। अब हैश का मतलब क्या लिखा है इसने, इन्होंने नॉट ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन नहीं है तो हमारे पास तीन ही तो सिंबल है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। ठीक है, अगर ग्रेटर देन नहीं है तो क्या हो सकता है, लेस और इक्वल, तो हमारे पास लेस और इक्वल का कंबाइन सिंबल है लेस और इक्वल, तो हैश का मतलब होता है लेस और इक्वल। ठीक है, उसी प्रकार के स्टार का एस्ट्रिक का मतलब क्या है, नीदर इक्वल नॉर स्मॉलर, मतलब इक्वल भी नहीं है स्मॉलर भी नहीं है, तो क्या होगा, सिर्फ ग्रेटर, इक्वल स्मॉलर नहीं है तो सिर्फ ग्रेटर होगा। फिर क्या है, परसेंटेज का मतलब नॉट स्मॉलर, स्मॉलर नहीं है तो क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल, अगर लेस नहीं है तो सिर्फ ग्रेटर और इक्वल। उसके बाद कौन सा सिंबल है, एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है हमारे पास नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन, ना ही स्मॉलर ना ही ग्रेटर, तो डेफिनेटली इक्वल होगा। फिर एंड का मतलब क्या है, नीदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ना ही ग्रेटर और इक्वल, नीदर ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल नहीं है तो बचा क्या, लेस देन, तो लेस देन, तो आपका सिंबल कन्वर्जेशन देखो। ठीक है, हो गया। अब काफी लोग इसमें प्रॉब्लम क्या होती है पता है, जो पहली बार देख रहे होते हैं ना उसको लगता है नॉट ग्रेटर देन लिखा है तो लेस देन ले लेता हूँ, बट लेस और इक्वल दोनों को लेना है। ठीक है, नीदर इक्वल और स्मॉलर लिखा है तो उसमें तो आप ग्रेटर देन लोगे, ठीक है, नॉट स्मॉलर देन लिखा है तो उसमें आप ग्रेटर देन ले लोगे, ग्रेटर और इक्वल दोनों को लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सिंबल कन्वर्जन मैंने करवा दिया है, मेरे ख्याल से आगे मुझे करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं एक करवा देता हूँ, एन स्टार, स्टार का मतलब क्या है, ग्रेटर देन क्यू, क्यू परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर और इक्वल आर, आर परसेंटेज यानी ग्रेटर और इक्वल्स टू ओ, ओ एंड, एंड का मतलब है लेस देन पी, पी एट द रेट, एट द रेट का मतलब है इक्वल टू एम, तो मैं इक्वल टू को तो नहीं लिखता तो ये सिक्वेंस में हो गया। ठीक है, एन परसेंटेज ओ, परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर और इक्वल्स टू, और ओ एंड एम, एंड का मतलब क्या है, लेस देन। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया, ये साइन कौन से, डबल साइन, डबल साइन हर बार चाहिए एन से लेके एम तक। अब यहाँ पे देखो ये सिंबल देखो और ये सिंबल देखो, फ्लो चेंज हो गया तो ये डाउटफुल रहेगा, और ओ लेस देन एम, ओ लेस देन एम, ओ से लेके एम तक देखना है, ओ लेस देन एम सिंगल साइन एक बार एंड फ्लो सेम, तो आपका ये राइट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 में बी। ठीक है, उसी प्रकार से 7, 8, 9, 10 का आप आंसर मुझे बताओगे। नेक्स्ट, यहाँ पे भी सिंबल कन्वर्जेशन मैं करवा देता हूँ, परसेंटेज का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ना ही ग्रेटर देन और ना ही स्मॉलर, तो क्या होगा, इक्वल। फिर डॉलर का मतलब क्या है, नाइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, स्मॉलर और इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ग्रेटर देन। कॉपीराइट का मतलब क्या है, नाइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर और इक्वल नहीं है तो लेस देन। फिर स्टार का मतलब क्या है, नॉट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन नहीं है तो डेफिनेटली लेस देन और इक्वल। और एट द रेट का मतलब क्या है, नॉट स्मॉलर देन, तो डेफिनेटली ग्रेटर और इक्वल, तो आपका सिंबल कन्वर्जेशन हो गया, तो आप इसका आंसर बखूबी कर पाओगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है और प्रीलिम के लिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, प्रीलिम में ये लेंदी सवाल नहीं आएंगे क्योंकि टाइम ही कम होता है। ठीक है, आपको आधे मिनट में सॉल्व करना है तो लेंदी क्वेश्चन नहीं आते, प्रीलिम में डेफिनेटली स्कोरिंग वाले ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप स्कोरिंग वाले ही क्वेश्चन सबसे पहले कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। आगे ये 1 से 2 मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, पीओ के लेवल के एग्जाम होते हैं प्रिलिमिनरी, पीओ लेवल प्रिलिमिनरी में आपको मैथ्स ऑपरेशन अगर 5 नंबर में नहीं पूछना जाए वाले वो लोग, तो 2 से 3 नंबर या एक एक दो नंबर में पूछेंगे। एक दो नंबर में क्वेश्चन कैसा होता है, तो ऐसा होता है। ठीक है, उसके लिए ये डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये ठीक है स्लाइड में चलती आ रही, तो आ गई। वट should be placed in the place of question mark in the equation, equation क्या है ये रहा। ठीक है, b less or equals to a question mark n question mark k question mark s then to mark a greater than s always true, a greater than s को आपको always true बनाना है। ठीक है, ये true ही होना चाहिए, RBI assistant preliminary 2016 में पूछा गया। अब a greater than s ट्रू होना चाहिए तो ए से लेके एस तक सिंगल साइन आपको एक बार मिलनी चाहिए, वो कंपलसरी है। दूसरा फ्लो ग्रेटर देन का है तो ग्रेटर देन वाला ही फ्लो चलेगा। देखो यहाँ पे ये लेस देन बीच में आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये लेस देन यहाँ पे आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये लेस देन आ गया यहाँ पे लेस और इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ए को टिक कर ही दोगे, ठीक है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, तो ए वाला ऑप्शन इंसर्ट करके देखो, इक्वल टू ग्रेटर देन ग्रेटर और इक्वल,
ए से लेके एस तक देखना है, ग्रेटर देन सिंगल साइन, सिंगल साइन एक बार चाहिए, मिनिमम वन टाइम यहाँ पे मुझे दिख रही है, और फ्लो सेम है, इक्वल टू का कैलकुलेट नहीं करना है, ग्रेटर देन का फ्लो है, तो आपका ये कंक्लूजन क्या है, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा ऑप्शन ए में, तो आपका राइट चॉइस क्या होगा, ऑप्शन ए। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको समझ में आया करना क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 से 2 बार। अब यहाँ पे क्या बोला है, एस बी आई पी ओ प्री 2017 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस इन द साइन डॉलर एंड हैश इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशन पी ग्रेटर देन सी एंड सी लेस इक्वल टू बी डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, पी ग्रेटर देन सी भी ट्रू होना चाहिए और सी लेस और इक्वल्स टू बी भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर और इक्वल्स टू आर, जगह छोड़ के सी, लेस देन आर, लेस और इक्वल्स टू जेड और इक्वल टू एम है, तो मैंने सीधा लिख दिया एम, जगह छोड़ के पी और ग्रेटर और इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब क्या वेरीफाई करना है वो पहले देखो, सी और बी के बीच में क्या वेरीफाई करना है, सी और बी के बीच में ग्रेटर और इक्वल, मतलब सी और बी के बीच में तो डबल साइन चाहिए ही, मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसका है, डबल साइन का पहली जगह में। ठीक है, तो डबल साइन वाले पहली जगह ऑप्शन जो जो है वो टिक मार्क कर लो, ये नहीं है तो ये एलिमिनेट कर दो, ये भी नहीं है एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ये चलेगा, ये 3 चलेंगे। ठीक है, दूसरी जगह क्या चाहिए आपको, पी और सी के बीच में, पी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। ठीक है, सिंगल साइन एक बार चाहिए। अब अगर आपको उल्टा नहीं देखना है तो दोनों सिंबल को उल्टा कर दो, क्योंकि ये सी टू पी है, तो ये सी टू पी करने के लिए क्या होगा, सी लेस देन पी हो जाएगा, और ये बी टू सी करने के लिए क्या होगा, बी ग्रेटर और इक्वल्स टू सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब बी से लेके सी के बीच में आपको जो सिंबल है ये ग्रेटर और इक्वल इक्वल, अब यहाँ पे मैं ग्रेटर और इक्वल टू रखूँ या इक्वल टू रखूँ मेरे ख्याल से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पहला वाला ये कंक्लूजन तो राइट हो ही जाएगा, ये दोनों सिंबल से, मतलब ये तीनों ऑप्शन से ये कंक्लूजन तो राइट होने ही वाला है। ठीक है, बारी आती है दूसरे साइड वाले की ही। अब दूसरे साइड में देखो, लेस देन का फ्लो आपको ढूंढना है, सी लेस देन पी ट्रू करना है, तो लेस देन एक बार मिल गया, ठीक है, बट फिर भी फ्लो तो सेम होना चाहिए, तो सेकंड सिंबल देखो, ये लेस देन वाला सिंबल नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन रखोगे ना तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो ग्रेटर देन यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि वो डाउटफुल चला जाएगा ना, वो 100% ट्रू नहीं आएगा। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, लेस और इक्वल टू है, अगर आप यहाँ पे लेस और इक्वल टू रखते हैं तो चलेगा, ग्रेटर देन रखोगे तो ग्रेटर देन नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये सिंबल लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल फ्लो चेंज हो जाएगा, और फ्लो चेंज होने की वजह से ये डाउटफुल चला जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ये डी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, जस्ट बी वाला ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट रहेगा, यहाँ पे लेस और इक्वल टू राइट रहेगा। ठीक है, तो सिंबल साइन एक बार और आ गया, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आपके लिए सही रहेगा, जो आप इंसर्ट करोगे तो आपको ये दोनों मतलब ये सेंटेंस डेफिनेटली ट्रू मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। पूछा बीओबी मणिपाल में पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर डेफिनेटली ट्रू, दिए गए एक्सप्रेशन में गड़बड़ी हो गई है, सिंबल ही नहीं आया सिंबल नहीं आया, तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसको डेट कर देते हैं, पीडीएफ दूंगा, जब भी दूंगा तब इसमें वेरीफाई होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी लेस देन एफ इज डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, मतलब ये लेस देन सिंबल एक बार आना चाहिए और फ्लो लेस देन का होना चाहिए बी और एफ तक। ठीक है, बी कहाँ पे, ये रहा, एफ कहाँ है, ये रहा, एफ के बाद सिंबल नहीं है, तो उम्मीद है कि हमें एफ से पहले कहीं सिंबल काम किया है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल मिसिंग है, वो पेस्ट करते हैं ना तब सिंबल थोड़े मिसिंग हो जाते हैं, बट अपना काम हो जाएगा। बी लेस देन एफ चाहिए, तो यहाँ पे देखो बी लेस और इक्वल टू लेस और इक्वल टू, मतलब डबल साइन ही है और ये सिंगल साइन एक बार तो चाहिए ही था, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिंगल साइन वन टाइम मस्ट कंपलसरी है। ठीक है, वो भी लेस देन चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे लेस देन है, सिंगल साइन एक बार एंड फ्लो सेम, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। समझ रहे हो, बी लेस देन सी एफ वहाँ पे डेफिनेटली ट्रू निकल रहा है। ठीक है, अब काफ़ी लोग पूछेंगे डेफिनेटली ट्रू और ट्रू में अंतर क्या है, तो ये डेफिनेटली ट्रू और ट्रू एक ही बात है। ठीक है, आप इधर और को इसमें कंक्लूड नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं,
आगे ये लेक्चर में इतना ही। लेक्चर थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि यहाँ पे मतलब मुझे इनइक्वालिटी में मेंस लेवल के क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट अभी करवा के कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप डर जाओगे और प्रीलिम में वो आने वाला नहीं है, तो उस पर अभी टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ आप ये समझो, प्रीलिम लेवल में आपके पास रीजनिंग में 35 क्वेश्चन है, सॉरी 40 क्वेश्चन है, और मैथ्स में 40 क्वेश्चन। ठीक है, और अगर पीओ के लिए, ये आरआरबी के लिए, और अगर पीओ के लिए जा रहे हो तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन है, क्वांट में 35 क्वेश्चन है, और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है। ठीक है, आप समझो कि ये 40 क्वेश्चन है, ये 35 क्वेश्चन है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, और आपको चाहिए क्या, आपको स्कोर चाहिए। ठीक है, तो अभी से मेंस लेवल के क्वेश्चन का नॉलेज रखो, बट उसको फिर ऐसा मत करो कि मतलब उसकी ही प्रैक्टिस किए जाओ, क्योंकि प्रीलिम क्रैक होगा, प्री क्रैक होगा, तभी तो आप मेंस में जाओगे, तभी तो आपको मेंस में जाने को मिलेगा और मेंस में फिर फायदा होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्रीलिम के लिए प्रिपेयर होना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना अगर नहीं किया है तो, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।